आज एक सवाल यह है कि आखिर किसके हैं अंबेडकर। यह सवाल इसलिए क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत पर अपना अधिकार जमाने की होड़ मच गई है। बाबा साहेब के जरिए राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। अंबेडकर की भक्ति में हर दल को दलित वोट की शक्ति नजर आती है। अंबेडकर की विचारधारा चाहे जो रही हो, हर राजनीतिक दल उसे अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। यूपी और पंजाब में चुनाव करीब आ रहे हैं। इन राज्यों में दलित वोट के बिना सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। क्या यही वजह है कि हर राजनीतिक दल बाबा साहेब अंबेडकर की सोच से जुड़ा होना दिखाई देना चाहती है, और बीजेपी का अंबेडकर की तारीफ करना कांग्रेस और बीएसपी को क्यों खटकता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली पहुंचे पीएम मोदी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की, तो वहीं मायावती को यह सब अच्छा नहीं लगा कि बीजेपी और कांग्रेस अंबेडकर की बातें करें। देखिए रिपोर्ट। ग्राम उदय से भारत उदय। केंद्र सरकार के मुखिया ने अपनी नई योजना के लिए बाबा साहेब की जयंती का दिन चुना तो उनके लिए नया नारा दे दिया। बाबा साहेब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने एक बड़ी रैली की, लेकिन मायावती बाबा साहेब की उपलब्धियों पर बात करने की बजाय इस बात से चिंतित नजर आईं कि अंबेडकर जयंती के नाम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही हैं। तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन और बीजेपी सांसद उदित राज ने अंबेडकर जयंती के मौके पर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की वकालत कर दी। दलित एंटरप्रेन्योर का है और जो लोन दिलाने की बात है, बाबा साहब को सम्मान देने की बात है, एक अच्छी शुरुआत है और एक बढ़त है, हम आगे बढ़ें। तो केंद्र में मंत्री और बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अंबेडकर जयंती का इस्तेमाल अपनी बिहार की राजनीति के लिए किया। जिसकी जयंती आज मना रहे हैं, अंबेडकर की जयंती, अंबेडकर की आत्मा नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा, क्योंकि इसी बिहार में अंबेडकर जिसके लिए लड़ाई लड़े, दलितों की बेटियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है और ये सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है। इन सब के बीच संसद भवन में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो सीधा सा सवाल है कि आज सारी पार्टियों को बाबा साहेब अंबेडकर क्यों याद आ रहे हैं? ये सिर्फ एक मौके की राजनीति करना चाहते हैं, दलितों को लुभाने के लिए ये दलित कार्ड खेल रहे हैं? इन सब को हम समझेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। नासिर हुसैन साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, जफर सैयद है, प्रवक्ता है बीजेपी के, अकुश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर लाल जी निर्मल हैं, अध्यक्ष है अम्बेडकर महासभा के। सबसे पहले सवाल बीजेपी से, पहला सवाल आपसे यही है, सीधे सीधे आरोप है कि जिस अंबेडकर के विचार कभी आरएसएस से, जनसंघ से नहीं मिले, आज आप उनको सिर्फ इसलिए अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दलित कार्ड खेलना है, यह आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए, ये आरोप नहीं, इस तरह के आरोप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जो दलित कार्ड खेलती रही वो आरोप लगाएंगी, लेकिन सब सच पूछिए तो आज उन्हें भी बड़ी तकलीफ हो रही है और उन्हें सराहना करना पड़ेगा कि जो बीजेपी ने जो इनिशिएटिव लिया है दलित समाज के लिए और उसके उत्थान के लिए, वो आज तक कभी ने नहीं किया था। ये दलित समाज को लगने लगा है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम
सिर्फ इतने बड़े महापुरुष थे, उनका नाम उन लोगों ने इस्तेमाल किया सिर्फ वोट बैंक की तरह, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन उनका मकसद एक ही रहा था, वो वोट बैंक देखते थे। हमने जिस तरह हमने सिर्फ वोट बैंक की तरह हमने एक सम्मान देने की कोशिश की है, इतने बड़े महापुरुष है उनको सम्मान, उनकी विचारधारा जो थी वो सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे सब भारतवर्ष में हर पिछड़े वर्ग के लिए थी, जो किसी तरह से पीड़ित थे उनके लिए उनकी बराबर लड़ाई रही है। और इसलिए हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगा कि इनको सम्मान नहीं दिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, जिन्हों जिस तरह के सम्मान के तरह वो डिजर्व करते थे। इसलिए हमारी पार्टी ने जो भी कार्यक्रम किए, चाहे वो चाहे आज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया या उससे पहले जो 26 फरवरी को जो मनाने का है, जो अंबेडकर दिवस जी का जो पूरे भारतवर्ष में मनाने का जो अनाउंस किया, ये अच्छी बात है। जफर साहब ये बताइए, लोगों में ये बात पता चले, जफर साहब ये बताइए, आपको अंबेडकर साहब की विचारधाराएं पसंद आती हैं? जो हिंदुइज्म पे उन्होंने कहा उससे आप अग्री करते हैं, जो उन्होंने सावरकर पर कहा वो आप अग्री करते हैं? देखिए आप 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 जो है आप आप जो है ना वो ये समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने टाइम टू टाइम हर चीजों पे टिप्पणी की, सिर्फ है एक पर्टिकुलर आप वहां से आप ना उठाएं, उनकी पूरी विचारधाराओं को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा वो पूरे देश के बारे प्रति सोचते थे, किसी समुदाय के बारे में नहीं, किसी विचारधाराओं के बारे में नहीं, बल्कि जो लोग वंचित थे, पीड़ित थे, जो किसी तरह से हैव नॉट्स है, उनके बारे में वो सोचते थे और उनके बारे में सोच के उनके बारे पीड़ा समझते थे और उसी दिशा में काम करते थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे जिसे कांग्रेस है, अगर इतने बड़ा महापुरुष वो समझते थे तो उन्हें जो भारत रत्न से नवाजा 1990 इतने साल क्यों लग गए, इससे साफ साफ दर्शाता है कि उन्होंने सिर्फ इसको पॉलिटिकल। मुझे एक बात बताइए सैयद साहब, अंबेडकर जी के योगदान को समझने में इतने साल बीजेपी को क्यों लगे, इतना साल क्यों लगा? पहली बार पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में स्पेशल एडिशन छापा गया अंबेडकर जी को लेकर, इतने साल रियलाइज करने में आपको क्यों लगे? इसके पहले कभी आपने अंबेडकर जी की बात नहीं की? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। हेलो जी सैयद साहब, सवाल मेरा आपसे ही है। सॉरी आपकी आवाज टूट गई थी, फिर से सवाल करें प्लीज। सवाल यह है कि बीजेपी को इतने साल क्यों लगे इस चीज को रियलाइज करने में कि बाबा साहब जो है नेशनल हीरो और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है? देखिए पहले तो आप ये समझिए कि सरकारें रही हैं कांग्रेस की, 67 साल सरकार उन लोगों ने इस्तेमाल किया है और उसमें उनके उनके कामों ने उन्होंने जिस तरह से सम्मान नहीं दिया है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भारत में जिनकी जो सम्मान देने चाहिए थे इतने बड़े महापुरुष को क्यों नहीं सम्मान दिया? आज अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो उनको क्यों इस तरह की तकलीफ? सरकार तो आपकी भी आई थी ना, हमने बराबर सरकार आपकी भी आई थी साहब, सरकार आपकी भी आई थी। मैं कह रहा हूं आज तक इसके पहले, इस सरकार के पहले न कभी आपको सरदार पटेल याद आए, न कभी आपको अंबेडकर जी याद आए, अचानक से ये क्यों? क्या कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर अगर वापस से जनाधार पाना है तो दलितों को अपने पक्ष में करना होगा? आपका नहीं, आपको यह सवाल ही आपका गलत है। आपको यह सवाल हमसे नहीं, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि आखिर बीजेपी ने आज सम्मान दिया, आप लोगों ने क्यों सम्मान नहीं दिया था? यह सवाल आपका गलत है, हमसे गलत सवाल करना चाहिए वैसे पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे भी पूछ लेंगे जिन्होंने। सैयद साहब सवाल उनसे भी होंगे, सवाल उनसे भी करेंगे, सवाल उनसे भी करेंगे सैयद साहब, लेकिन जवाब नहीं देने के लिए ये बहाना तो मत कीजिए कि सवाल गलत है। आज इतने साल के इतने साल आपको याद नहीं आए अंबेडकर ये सही है कि गलत है? सैयद साहब इतने साल आपको अंबेडकर याद नहीं आए ये सही है या गलत है? इतने साल आपको अंबेडकर याद नहीं आए ये सही है या गलत है? पांच जन्य में ऑब्जर्वर में इसके पहले कोई आर्टिकल उन पर नहीं छपा, ये सही है कि गलत है? हमने बराबर हमने सम्मान हम हर बड़े महापुरुष को सम्मान दिया है हमारी पार्टी ने और सम्मान देते रहेंगे आगे भी। लेकिन चलिए ठीक है, आपको यह सवाल कांग्रेस से करना चाहिए,
बीएसपी जैसी पार्टी आप बहुत देर से इंसिस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत देर से इंसिस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस से भी सवाल कर लेते हैं। नासिर हुसैन साहब, आरोप तो आप पर भी है कि जिन अंबेडकर साहब का कांग्रेस में मन नहीं लगा, जहां से अलग हटकर उन्होंने आरपीआई पार्टी बना ली, आज वापस से कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं संभावना है, चुनावी संभावना है, दलित कार्ड के तौर पर जो नेशनल हीरो हैं उनको कहीं ना कहीं दलित कार्ड के तौर पर खेला जाए। आपका कांग्रेस पार्टी से ये सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। अरे अब सवाल पूछ लिया, उनको जवाब देने दीजिए। आप बताइए दलित समाज का क्या हुआ है उदाहरण? सैयद साहब सवाल पूछ लिया, कांग्रेस से सवाल पूछ लिया, बताइए नसीर साहब। जी जी देखिए उनको देखिए पहले तो मैं मेरे जवाब मुझे जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब देने के पहले सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, सैयद जफर असलम साहब के पास शायद बीजेपी को, आरएसएस को और हिंदू महासभा को डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो बार बार कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि जब हम इतने सालों बाद कम से कम जो है राइट विंग ताकतों को इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की याद आ रही है, ये खुशी की बात है। अब दूसरी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हटके आप बताइए कि क्या समझ लिया आपने? आप बहुत बोल लिए, आप जरा बीच में चुप रहेंगे? प्रधानमंत्री तक नहीं गए, आप बहुत बोल लिया, थोड़ा चुप रहेंगे? तो आप बयानी से काम मत कीजिए। आप जब बात कर रहे तो मैंने बात किया था, आप जब बात कर रहे तो मैंने बात किया अपने बारे में, मेरे बारे में मत बोलिए। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बोले ही नहीं देते किसी को। आपकी गुंडागर्दी दादागिरी पूरे देश में चल रही है, बोलिए। सारे देश भर के यूनिवर्सिटीज में आपकी दादागिरी चल रही है, बोलिए। नासिर साहब का जवाब देने का भी तो अपना जवाब दीजिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं जवाब देने के लिए तो बताइए, ये दादागिरी और मैं दे रहा हूँ पापागिरी बात। चलिए सैयद साहब होता होगा, सैयद साहब गुजारिश एक मिनट आप रुके, नासिर साहब अपना जवाब दीजिए आप। जी जी जहां तक कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर से अम्बेडकर जी की बात है, ये 125वें साल उनका सालगिरह चल रहा है तो ये जोर शोर से सब जगह बातें हो रही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनके लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक उनके अपने जीवन का, उसने अपने कार्यकाल का, उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात है, एक लंबे हद तक जो है बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के साथ ही जुड़ के, कांग्रेस के साथ रहकर काम किए, उनके और कांग्रेस के विचार लगातार मिलते जुलते रहे, कुछ एक दो इश्यूज पे जो है कुछ अनबन थी, अब एक दो इश्यूज पे कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस ही थी कि उनको जो है पहला इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाई थी, कांग्रेस ही थी जो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाई थी और उनको मौका दिया था कि अपना एक्सपीरियंस और अपनी फिलॉसफी और अपना इंटेलिजेंस संविधान दे उसके, उन्होंने कई मौकों नसीर साहब सुनिए, बावजूद इसके आपने कहा कि कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया, बावजूद उसके कि वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने कई मौकों पर कहा कि मुझे पूरे फ्रीडम नहीं है, पूरी आजादी नहीं है, और बार बार जो हस्तक्षेप होता था वो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन दो का नाम उन्होंने कई मौकों पर लिया है। देखिए हो सकता है नेशनल हीरोज की जब बात हुई तो कांग्रेस की ओर से सरदार पटेल या अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिला जो गांधी और नेहरू को मिला। देखिए कांग्रेस ने सिर्फ आप बाहर घर से निकलिए, आजादी के आंदोलन, आजादी के आंदोलन जितने बड़े बड़े नेता थे, आप राइट जाइए तो नेहरू, राइट लेफ्ट जाइए तो इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। पूरे देश में बस ऐसा लगता है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव के अलावा कुछ है ही नहीं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा सा है उनके उनके बारे में पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ने भर दिया है। इतने बड़े बड़े महापुरुष को कांग्रेस ने इग्नोर किया, कोई सम्मान देना दिया नहीं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है तो उनको क्यों तकलीफ है? नहीं, जफर असलम साहब से इतना पूछ लीजिए अंबेडकर के क्या राय थे आरएसएस को लेके, हिंदू महासभा को लेके, सरदार पटेल की क्या राय थी आरएसएस को लेकर, हिंदू महासभा को लेकर, सुभाष चंद्र बोस की क्या राय थी, अपनी राय बताइए कि उन्होंने राय थी, उन्होंने महात्मा गांधी की क्या राय थी, कांग्रेस ने सरकार से क्यों उन्होंने छोड़ दिया था करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सम्मान देते हैं, आप सम्मान देते हैं उन आइकॉन्स को जो उन्होंने अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस, ये इनसे पूछिए कि आप सम्मान देते हैं तो कांग्रेस सरकार में रहते क्या सोचते थे आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में, आपने तो उस वक्त सम्मान नहीं दिया जब जीवित थे, आपके साथ लोग जो हरकतें हो रहे हैं,
आपके पार्टी जनरल पीके सिंह क्या कहते हैं दलितों को इस देश में, आप इस तरह से डाइवर्ट में क्या लिखे हैं, क्या सम्मान दिया, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों रखे हैं, क्यों मजबूर किया, ये 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 125वीं आपने दबा के रखा, आपने दलित समाज को दबा के रखा, आपने दलित समाज का उत्थान नहीं किया कभी, और अगर हमारे पास आज आप दलित समाज को यूनिटाइज कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये द्रोणाचार्य जो सिर्फ एक गवर्नमेंट है, एक लोगों का ये गवर्नमेंट है जो के उसको जो सीखने का मौका नहीं दिया था, जफर साहब और नासिर साहब उसके दाएं बाएं जफर साहब और नासिर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, जो जफर साहब और नासिर साहब ये जाएंगे हम लोगों को एक मिनट रुकिए आप, और ये आपने काम जो दलितों को आगे ये काम नहीं चलेगा, भारत के भारत के लोग जो है लगे हैं कि आप जफर जी के ऊपर कभी नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की, जफर साहब और नासिर साहब देखिए अगर आज अम्बेडकर जी होते ना आप दोनों में से किसी के कंधे पर हाथ नहीं रख पाते कि बहुत अच्छी दलीलें दे रहे हैं, अभी भी वही हो रहा है कि मेरे अंबेडकर मेरे अंबेडकर। मैं तो इतना कह रहा हूं सिर्फ, आप ये बात सुने, मैं इतना कह रहा हूं कि सिर्फ इनसे ये पूछे कि तो इनकी सरकार से इन्होंने रिजाइन किया, इन्होंने इन्होंने इतने बड़े महापुरुष अगर इनको समझ में आता तो रिजाइन करने से क्यों नहीं रोका, आज उन्हें 40 इतने सालों के बाद उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया, आज अगर हम सम्मान दे रहे हैं हमारी विचारधाराएं कुछ भी हो हमें इतना तो है कि हम समझते महापुरुष है और उनको सम्मान उनको देना चाहिए, अगर हम उनको सम्मान दे रहे तो और मेहमान है उनको शामिल करते हैं काफी देर से वो इलेक्शन के पहले और भी मेहमान है इलेक्शन के पहले और मेहमान है लालजी निर्मल हमारे डॉक्टर लालजी निर्मल प्रेसिडेंट अम्बेडकर महासभा के। लालजी आप दोनों की बातें सुन रहे हैं और दोनों ही पार्टियां और बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है अम्बेडकर मेरे हैं ये कहीं ना कहीं साबित करने की दलितों के बीच में क्या लगता है अंबेडकर है किसके, खासतौर पर ये जो दोनों पार्टियां हमारे साथ आज बैठी हैं दलीलें दे रही हैं अंबेडकर हमारे कौन ज्यादा कन्विंसिंग है किसके अंबेडकर? देखिए आज डॉक्टर अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची हुई है, डॉक्टर मेरे हैं अंबेडकर, कोई कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर मेरे हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं किसके, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन किसके लिए था? आपको याद होगा आजादी से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर मेरे हित और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं अपने हितों की तिलांजलि दूंगा और देश हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन दलित हितों और देश में टकराहट होगी तो मैं दलित हितों की प्राथमिकता दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंतन था जो मौलिक चिंतन था उसमें दलित था, और राजनीतिक दल जो डॉक्टर अंबेडकर की आज प्रशस्ति कर रहे हैं उन पे दावा कर रहे हैं, मैं हम पूरा जो दलित समुदाय है वह बड़ा हर्षित नहीं है इस प्रसंग से। डॉक्टर अंबेडकर की प्रशस्ति आप कीजिए, खूब प्रशस्ति कीजिए, स्वीकार्य है, प्रशंसनीय है, किंतु जो डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे थे जो दलितों के मुद्दे थे उस पे कहीं कोई चिंतन क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर अंबेडकर भागीदारी चाहते थे, वे उनकी साफ सोच थी कि भागीदारी दलितों को हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जितना कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन संविधान के माध्यम से दिलाया, उन्होंने विधायिका में रिजर्वेशन दिलाया, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के उस योगदान को आगे बढ़ाया जा सका? एक लंबे अरसे से डिमांड हो रही है कि केवल सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन से दलितों का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए दलित जो आजादी से पहले तो पूरी तरह से भूमिहीन था, उसके पास शिक्षा तक के अधिकार नहीं थे, धन रखने का मतलब पूरी तरह से विपन्न था दलित, तो केवल रिजर्वेशन के माध्यम से जो दलितों में कुछ उभार आया, जो कुछ शैक्षिक चेतना आई मात्र, उससे दलितों का सर्वांगीण विकास तो फिलहाल नहीं होने जा रहा है, उनके जमीन के सवाल को हल नहीं किया गया। आज भी तमाम ग्रामीण अंचलों में दलितों के पास शौच तक जाने के लिए जमीन नहीं है, आज ग्रामीण अंचलों में दलित चाय की दुकान तक नहीं खोल सकता,
आज ग्रामीण अंचलों में हम एक चाट और स्वीट की दुकान हमारे दलितों की नहीं दिखाई पड़ती है। निजी क्षेत्र में पूरा शून्य पड़ा हुआ है हमारी भागीदारी। न्यायपालिका में आप देखेंगे दलितों की भागीदारी है ही नहीं है। मीडिया में हमारी भागीदारी शून्य है। तो ये सारे सवाल हैं। अगर दलितों की अनुपस्थित है, आप उस शैक्षणिक संस्थाओं में देखिए कितना 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 भेदभाव है। इसका कारण है कि शैक्षणिक संस्थाओं में, अध्यापन में, वहां के प्रबंधन में, वहां के प्रशासन में दलितों की भागीदारी नहीं है, इसीलिए रोहित बेमुला जैसे एकांत हो जाते हैं। तो इन सारे सवालों पर चिंतन करना होगा। केवल अंबेडकर नहीं, अंबेडकर के मुद्दों और दलितों के दर्द पे चिंतन करना होगा, तब डॉक्टर अंबेडकर प्रासंगिक होंगे। वरना तो फिर वोट की राजनीति से दलितों का फिलहाल कोई भला नहीं होगा। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबके केवल डॉक्टर अंबेडकर एक आइकान बनते जा रहे हैं और दलित वोटों के लिए। चलिए हमारे साथ और एक मेहमान है, अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अकुश जी, आपने बड़े संयम के साथ तीनों की बातें सुनी। जो लाल जी कह रहे हैं कि अंबेडकर की चेतना में कैसे दलितों का उत्थान हो और जो अन्याय उनके साथ इतने सालों तक होता रहा वो दूर हो, ये कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें थी। ये दोनों पार्टियां जब आज अंबेडकर की बात कर रही हैं, आपको लगता है कि वो जो मूल चेतना, जो मूल विचार उनका अंबेडकर का था, उसको भी अपना पा रही हैं या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, अंबेडकर की मूल चेतना को तो शायद किनारे रख दिया गया है, और जो उन्होंने सिर्फ उन्होंने आरक्षण को ही लेके बात नहीं की, उन्होंने देश को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने समाज को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आज मैं आपको बहुत हल्की और छोटी चीज से उसके शुरुआत कर रहा हूं मैं। आज आप जो देखते हैं का और की फिल्म नाम से, जिसमें ये पति और पत्नी और आपसी रिश्तों के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है कि एक दूसरे को समझना चाहिए, उन्होंने जो उनके 10 सबसे बड़े कोट हैं उसमें ये कहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड। जो आदमी समाज के ताने बाने को इतनी गंभीरता से समझता हो, उसको सिर्फ हमारे लोगों ने वोट बैंक का हिस्सा समझ लिया है। आज हमारी राजनीति का मौलिक चिंतन सिर्फ वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के चलते विभिन्न पार्टियों ने, कांग्रेस को इसको बहुत बड़ा 90% से ज्यादा श्रेय जाता है, कांग्रेस ने समय समय पर उसका अंबेडकर जी का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया। तो आज कभी मायावती उसका इस्तेमाल करने के लिए सामने आ गई और अपनी बढ़िया से संपत्ति और अपना अपना एक वोट बैंक बड़ा सा बनाया उन्होंने, और उनको अपने अलावा वो अंबेडकर से ज्यादा वो आइकन होने की कोशिश कर रही है उस समाज की, जिसकी अंबेडकर पहले कभी जिनकी बातें किया करते थे। उसी तरीके से कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी कोशिश की है। बीजेपी के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी चीज एक पॉजिटिव जाती है, क्योंकि बीजेपी की जो अनुशांसिक संगठन है वो एससी एसटी के लिए बहुत पहले से एक लगे रहे हैं। अगर आपको मैं बिना किसी राजनीति के बात करना चाहूंगा तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने एससी एसटी के लिए बड़े लेवल पे काम किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता आता है कि उनकी ठेकेदारी सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है बीजेपी की, तो बीजेपी की भी उतनी बड़ी ठेकेदारी नहीं बनती। ये लोग सिर्फ समय के लिए, आज बीजेपी के लिए जरूरत अंबेडकर है इसलिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, आज कांग्रेस के लिए जरूरत अंबेडकर है इसलिए बीजेपी उनसे छीन न ले जाए इसलिए उसका विरोध हो रहा है। मायावती का भाषण में आज के ये नहीं जरूरत है कि इसके बारे में पूरी चीजें की जाए या अपना एक आगे का क्रम बताएं, रोड मैप बताएं, वो नहीं है। वो जरूरत उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाटव और चमार समाज को जो छोड़ दिया जाए तो वो कहीं उससे ना, उनसे बाकी जब सिचक ना जाए, तो ये बड़ी भारी है। नीतीश कुमार ने क्या किया, बिहार में क्या हुआ है, बिहार में दलितों का जो शानदार दुरुपयोग सदुपयोग हुआ है वो आप देख लीजिए उसको। तो माझी का उदाहरण हमारे सामने है, एक वोट बैंक की तरीके से 6 महीने पहले उसका इस्तेमाल किया गया और फिर उसको किनारे कर दिया गया। तो राजनीति जितने गंदे स्वरूप में इसको सामने ला रही है ये बहुत ही खतरनाक है। और सच बात यह है कि जितना दलितों के लिए या दलितों को मिलना चाहिए वो अभी भी किसी तरीके से नहीं मिल पाया है। आज बड़े पदों को देख लीजिए तो बहुत शर्मनाक स्थिति सामने आती है। आज जितने सेक्रेटरीज हैं केंद्र के लेवल पर एक आदमी नहीं नजर आ रहा है आपको।
149 लोगों में से मतलब 1% आदमी नहीं नजर आ रहा है। और बड़े पद है, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के पदों पर 1% भी आदमी नहीं हो पा रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और क्या आप चाहते हैं जो 10 साल के लिए काम सौंपा था संविधान ने, वो क्यों 70 साल तक बढ़ा? इसलिए कि आपने वो काम ठीक से 10 साल में ही नहीं किया, 20 साल में नहीं किया और 70 में भी नहीं किया। जी जी, सवाल मेरा सैयद साहब आपसे है, आज आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, अच्छी बात है, मंशा चाहे जो भी हो, 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, ये कहते हुए कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक बंटवारे का आधार तैयार करती है मनुस्मृति, क्या वो दिन भी आप मनाएंगे? सैयद साहब जी, क्या बोला आपने लास्ट में? जी, 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर जी ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, ये कहते हुए कि ये मनुस्मृति सामाजिक बंटवारे का आधार बनाती है, क्या उस दिन को भी आप मनाएंगे मनुस्मृति दहन के तौर पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती पे, कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है, सिर्फ उनकी बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, कंट्रीब्यूशन दिया है भारत का जवाब, बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, मैं वसी पे आ रहा हूँ, मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करके उनको सम्मान जिस तरह से देना चाहिए था उस सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको उससे वंचित रखा गया है पिछले 70 सालों में। जैसा अभी एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो दलित समाज का, सही बात है, इसलिए पिछले 70 सालों में जो उत्थान होना चाहिए था नहीं हुआ, जो उनको जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो ना हो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो पूरे कम्युनिटी का होना चाहिए नहीं हुआ है, नहीं उसके उसका मूल कारण यह है कि उनको उस दिशा में उसको कोई सपोर्ट मिला ही नहीं। सिर्फ इतनी लंबी चौड़ी भूमिका मत दीजिए, सीधे सीधे जवाब दीजिए, जो इसकी नहीं सीधे जवाब दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने, जो जो इनिशिएटिव हमने लिया है, मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को जरा स्टैंड अप, हमने ये नहीं कहा कि जी लाल जी, जयपुर हाई कोर्ट में स्टैंड अप मनु की प्रतिमा भैरव सिंह से खड़ा साहब ने लगाई, हमने इनिशिएटिव लिया सर, वो प्रधानमंत्री ने इसलिए लिया है कि जो ये बात आपके पैनलिस्ट कर रहे थे वो ये होना चाहिए। जफर साहब माफ कीजिएगा, आपको पर्याप्त वक्त दिया गया, जफर साहब पर्याप्त वक्त देने के बाद भी वो जवाब नहीं मिला, लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, लाल जी आप बताइए, जफर साहब आप एक मिनट रुकिए, आपको वक्त दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया, एक मिनट रुकिए, लाल जी साहब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। देखिए आपका जो सवाल है वो सवाल बहुत ही प्रासंगिक है, उसको इस रूप में मैं पूछना चाहता हूं, और जो कि आज ये दलितों का सवाल है, निश्चित रूप से मनुस्मृति में कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो कि दलितों के लिए और महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक हैं, और वो भेदभाव का ग्रंथ है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका दहन किया था। लेकिन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने जयपुर हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगवाई थी, और वह प्रतिमा उस न्यायालय परिसर में आज भी स्थापित है, जो कि दलितों के दर्द को बढ़ाती है। क्या उस प्रतिमा को हटाने का कार्य किया जाएगा? ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है, और दलितों के बीच में रोज सोशल मीडिया पे रोज इस पे भाष होती है, और रोज इस पे तमाम संवाद होते हैं, इस पे वर्जन लिया जाना चाहिए। चलिए सैयद साहब, ये सवाल सुना आपने, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं लाल जी साहब, अगर आपने वो सवाल सुना हो इसका जवाब देंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो दोनों सवालों का जवाब है कि देखिए, दलित समाज आपको ये समझने चाहिए कि दलित समाज का प्रॉब्लम क्या है, उनको एम्पावरमेंट चाहिए, ये इन बातों में मत जाइए कि वो करेंगे नहीं करेंगे, दलित समाज को एम्पावरमेंट चाहिए, और एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव कोई सरकार ने नहीं लिया है, हमारी सरकार ने वो सब इनिशिएटिव लिया जिससे एम्पावर हो। और ये सही कह रहे हैं कुछ पैनलिस्ट कि पिछले 70 सालों में दलित का जो पीड़ा जो उन्होंने आज कहते हैं वो सही में कांग्रेस सरकार ने उसको सिर्फ यूज किया है, इसलिए इस हालत में है, या मायावती ने उसको, आप भी तो 6-5 साल आपने क्या किया था समाज के, देखिए लोगों को किस हालत में, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार वो सब इनिशिएटिव लेगी जिससे दलित समाज का उत्थान होगा, उनमें एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट होगी, लोगों में जॉब उनको, आप देखिए जनधन योजना या फिर मुद्रा स्कीम, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आपकी सारी बातें वही आ जाती हैं, ये कांग्रेस वाले तो पूछिए आज कौन है,
उसके पूरे बेनिफिशियरी जनधन योजना से लेके हमारी मुद्रा स्कीम के बेनिफिशियरी एससी एसटी समाज ही है, दलित समाज है, और उसको बेनिफिट उसका पूरा पूरा मिलेगा। आने वाले दिनों में स्टैंड अप इनिशिएटिव से ये सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे खत्म होगी। दलितों के लिए काम करना एक अलग बात है, और उसका इस तरह से प्रचार किया जाए किसी को दलित आइकन बनाकर वोट जुगाड़ दिया जाए वो अलग बात है। कांग्रेसियों ने उनको आइसोलेशन में छोड़ा है, लेकिन हमारी सरकार उनको मेन स्ट्रीम में लाएगी और उससे फायदा होगा। और जो आज कह रहे हैं कि मीडिया में नहीं है या सेक्रेटरी लेवल पे, आपको देखेगा कि आज गवर्नर भी हमारे हैं, वो दलित समाज के गवर्नर भी है। ये आपने कृपा नहीं की है जफर साहब, क्या कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं? नहीं सुनिए, ऐसा आप गलत बता रहे हैं, आप दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पाए, और ये भी आप गलत बता रहे हैं कि कांग्रेस ने दलित नहीं राज्यपाल बनाया, कांग्रेस ने भी बनाया, क्योंकि कांग्रेस को भी उसका इस्तेमाल करना था। आज बीजेपी में सबसे ज्यादा दलित की संख्या जो है बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ। आज हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो दलित समाज के लोग, वो बीजेपी में है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में लोगों को इस सिचुएशन में रखा है, कांग्रेस ने यूज किया है। हम यूज नहीं करना चाहते, हम उनको उनकी जो डिजर्व करते हैं, और जो अगर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी आने वाले दिनों में उनकी स्थिति अच्छी हो, सोसाइटी में अच्छी सिचुएशन हो, जो बाबा साहब अंबेडकर जो जिसका विजन बाबा साहब अंबेडकर जी का था, वैसी विजन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कमिटेड है इस बात के लिए कि इन लोग जो इन्होंने सफर किया है, नासिर साहब सफरिंग से इनको निकाला। नासिर साहब, बीजेपी से कई सारे सवाल हुए और कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि शायद बीजेपी से ज्यादा सवाल हो रहे हैं इस मामले में, लेकिन राजनीति करने में कांग्रेस भी कम नहीं है। रोहित वेमुला को अंबेडकर के बराबर खड़ा कर देना ये राजनीति नहीं है? देखिए, ये सब रोहित वेमुला पे आने के पहले मैं जो आपने सवाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नहीं, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो देश ने देख लिया, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, वो देश ने देख लिया। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, चलिए चलिए एक सेकंड रुकिए। नासिर साहब अब वो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, चार से पांच शब्दों में बताइए, मनुस्मृति दहन का भी दिवस मनाएंगे क्या आप? अगर आप अंबेडकर को ओन कर रहे हैं, उनके विचारों को चुन चुन के कैसे ओन करेंगे आप? कि जहां पर राजनीति सही समझ में आती है वो तो आप ओन कर लो, जहां लगता है कि कहीं वोट बैंक सरक सकता है वो आप टच नहीं करेंगे। मनुस्मृति दिवस 25 दिसंबर 1927, जिस दिन दहन किया गया उसको सेलिब्रेट करेंगे क्या? नरेश जी, ये कोई भी नहीं सेलिब्रेट करेगा। आप अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस करेगी। जवाब दीजिए सैयद साहब, आपने कहा जवाब दूंगा। सवाल किसके लिए? आप ही के लिए, आपने कहा कि अब जवाब दूंगा, तो फिर से आपके पास आया हूं। दिवस मनाएंगे क्या मनुस्मृति दहन जिस दिन हुआ था 25 दिसंबर 1927, कुछ शब्दों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये कोई दोनों के सही साहब, सवाल आपसे मेरा, दोनों के साथ सुन गए होंगे। मैं शायद आवाज नहीं जा रही है, शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ नासिर साहब, आपसे जो सवाल पूछा गया था आप उसका जवाब दीजिए, आप भी मौका देख रहे हैं कब मौका मिल जाए और हम और हमला कर दे बीजेपी पे। नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं रोहित वेमुला पे आने के पहले, मैं नहीं, पहले आप रोहित वेमुला पर ही आई से पूछा, मैं तो बोलूंगा कि नहीं, रोहित वेमुला पे आऊंगा। एक मिनट देखिए, आप जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जेएनयू की जो घटना हुई थी, उसमें एबीवीपी के चंद ऑफिस बेयरर्स ने आवाज जा रही है, और उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति को, मनुस्मृति को जलाया था। आप मनुस्मृति को छोड़ के जलाया था अपने सम्मान में, क्या किया है मनुस्मृति को जब जलाया था? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा उनको सवाल नोटिस दी गई थी। ये स्टैंड है बीजेपी का, ये बीजेपी का। और दूसरा, जहां तक रोहित विमला की बात है, देखिए रोहित विमला का जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर जो जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर पांच चिट्ठियां एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लिख के उस आदमी का फेलोशिप छीन के उस आदमी को मजबूर किया गया सुसाइड करने पे, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे, चाहे रोहित विमला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या रोहित विमला टाइप्स अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में होते, हम उनको लड़ाएं। और उनकी तुलना कहीं भी बाबा साहेब अंबेडकर के साथ हो नहीं सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस तरीके के जहां हादसे होते हम जाए ना, और उनकी लड़ाई हम टेकअप करके हम लड़ाई लड़े ना। लोगों को एक मिनट आप रुक जाइए जरा। नासिर साहब, मैं एक आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ जो अभी दरेश जी ने उनसे जफर साहब से पूछा
कि क्या मनुस्मृति दहन दिवस आप भी मनाएंगे, स्पष्ट बताइएगा दो तीन शब्दों में। मैं तो कह ही रहा हूँ कांग्रेस मना भी मनाएगी और साथ में बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी का इसके ऊपर एक कमेंट आया था। नहीं, राहुल गांधी का इसके ऊपर कमेंट आया था जिसमें क्लियरली बोले कि जिस मनुस्मृति इस सोसाइटी में डिविजन लाती है उस मनुस्मृति को मैं मानता ही नहीं करके अभी कुछ दिन पहले ही उनका स्टेटमेंट आया था। फिर आप नहीं मनुस्मृति को नहीं मानते, लेकिन जो सवाल सीधा पूछा गया आप यानी ये कह रहे हैं कि आप इस दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे इस तौर पर कि इस दिन मनुस्मृति का दहन हुआ था। नासिर साहब, नरेश सोनी जी, जब उस चीज को हम मानते हैं उनकी विचारधारा को तो करेंगे। आप मुद्दा जो है देखिए एक मिनट नरेश सोनी जी, आज का जो मुद्दा मेरे पास पूरी आवाज आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो कंट्रीब्यूशन है, नहीं एक मिनट, उनके जन्म दिवस पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी सोच थी, जो विचारधारा था, जो विजन था, उसके बारे में आप ये यहाँ पर डिस्कशन कीजिए जिसमें कांग्रेस ने क्या किया है। आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। बीजेपी ने दोनों पे आरोप है, एससी के लिए ये दोनों पे आरोप है। एससी समाज को एक इज्जत दी है, एक पार्टी ने। अगर अभी तक ऐसा नहीं लगा तो मैं वापस बोल्ड लाइन में बताना चाहता हूँ कि दोनों पर आरोप है, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं है। जो हम तो चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो और बड़े महापुरुष हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सबको हम सम्मान देना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के जमाने में आज से आजादी के बाद से आज तक जब तक ये सरकार रही, नेहरू, गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव के अलावा आपने कोई नाम ही नहीं सुना। जिस बिल्डिंग में जाओ नेहरू बिल्डिंग, नेहरू ब्रिज, नेहरू सोचा ही नहीं उन्होंने। चलिए ठीक है, आज आपको डिस्कशन इसमें करना चाहिए। अब आप चैनल कैसे चलाया जाएगा ये आप बताएंगे जफर इकबाल? माफ कीजिएगा जफर साहब, तो मतलब अगली बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या सवाल करने हैं, वो सवाल आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि ये सवाल आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं और आप बताना नहीं चाहते हैं। ये आपको इतना डिस्कम्फर्ट में ले जाते हैं कि आप ये बता रहे हैं कि सवाल करना चाहिए। माफ कीजिएगा, फिलहाल एक और स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती समारोह के दौरान महू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में क्या कहा। बाबा साहेब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब अंबेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। एक बार सही मेहमानों के पास जाएंगे। डॉक्टर लाल जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं और खास तौर पर मनुस्मृति पर एक लंबी चर्चा हुई, आपसे जानना चाहूंगा अगर आप एक बार फिर से दर्शकों को बता सके हिंदू धर्म को लेकर उनके क्या विचार थे और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके वजह से आपको लगता है कि कहीं से भी न कांग्रेस के अंबेडकर दिखते हैं न बीजेपी के दिखते हैं, कौन सी वो विचार अंबेडकर जी के थे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किए कि हिंदू धर्म की जो विकृतियां हैं उसमें सुधार आवे और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो उन विकृतियों पे उंगली उठाएं और उसको इंगित करें। मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया। आपने देखा जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया था कि जब मनुस्मृति है तो ये संविधान बनाए जाने की आवश्यकता क्या है।
तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज महू में जो कुरीतियों की बात की, समाज की कुरीतियों, उसका उद्गम स्रोत क्या है? उसका उद्गम स्रोत तो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति को अगर आप प्रासंगिक रखेंगे, अगर उसको हर घर में मनुस्मृति की पूजा करेंगे, आप रामचरितमानस की पूजा करेंगे, ठीक है, तमाम चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन मनुस्मृति में सवाल आप क्यों नहीं खड़ा कर सकते कि वो जो महिला विरोधी प्रसंग है, उसमें जो शूद्रों के प्रति जो भेदभाव का जो एक ग्रंथ है, इस पे बहस होनी चाहिए, और आप कहिए, ईमानदारी से कहिए कि नहीं, ये गलत है, तत्कालीन परिस्थितियों में चाहे जिन भी कारणों से इसे लिखा गया, लेकिन आज की परिस्थितियों में ये पूरी तरह गलत है और हम इसे खारिज करते हैं, इसको कहना पड़ेगा आपको। आज महू में प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो इस सवाल से जुड़ता है, वो मनुस्मृति से और हिंदू धर्म की विकृतियों से जुड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस धर्म में कोई सुधार संभव नहीं है, दलितों को, शूद्रों को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने मजबूर होकर के कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं, जी, 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 लेकिन मैं इस धर्म में रह के मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। जी, एक और चीज, जहां तक सवाल इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर जी, चलिए, एक और चीज जो तब के अंबेडकर साहब या उस वक्त के नेताओं में और आज के नेताओं में एक बड़ा फर्क है, आज आप जब भी किसी जाति की बात करते हैं, किसी धर्म की बात करते हैं, खासतौर पर जब राजनेता करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट और वोट बैंक की ही बातें होती हैं। क्या आज के वक्त में, सवाल मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है, पहले मैं कांग्रेस से जवाब चाहूंगा इस पर, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। उन्होंने जो बात कही, जाति का संहार उनकी किताब उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह अनेक निर्देशों और निषेधों के सिवा कुछ नहीं है, इसमें आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल कुछ निर्देशों का पालन करना जरूरी है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसे धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब वो ये बात कह रहे थे, उनके अपने निजी विचार थे, उस वक्त कोई राजनीति नहीं थी इस स्टेटमेंट में। आप दोनों में से कौन है जो इस बात को पसंद करता है या सही मानता है? पहला सवाल मैं चाहूंगा कि जवाब जो है वो नासिर साहब दे, कांग्रेस की ओर से, क्या आज की तारीख में इस विचार को आप अपना सकते हैं क्या? क्योंकि आज जब आप बात करेंगे किसी भी धर्म की हो, कहीं ना कहीं वोट जुड़ जाता है। नहीं, देखिए, मैं किसी वोट को लेके बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे क्या? अपने ये विचार, इस विचार को अपनाते हैं क्या? ऐसे धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए, इस विचार को अपनाते हैं क्या? नहीं, देखिए मैं किसी भी रिलीजन पे या किसी भी धर्म के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं, जो भेदभाव का एक तरीके का एक ट्रेडिशन, कस्टम, कन्वेंशन जो भी चले आ रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई थी, उसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि जो मतलब ये इन चीजों की वजह से, इन प्रैक्टिस के वजह से, इन डिविजन्स की वजह से जो है ये धर्म में ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके उन इक्वलिटीज को खत्म करके एक एगालिटेरियन सोसाइटी को हम लोगों को एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। चलिए नासिर साहब आप भी बताइए, माफ कीजिएगा जफर साहब आप बताइए, आप अपनाते हैं क्या अंबेडकर जी के इन विचारों को? उन्होंने किस परिस्थिति, नहीं देखिए, कोई परिस्थिति जन्य बात नहीं है, ये जनरल उनके विचार हैं हिंदू धर्म को लेकर, और हिंदू धर्म को लेकर उनके क्या विचार थे छिपे नहीं है, हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध बन गए थे। आप बोल दें या फिर मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये टिप्पणी नहीं करूंगा कि किस कारणों से वो बौद्ध धर्म को अपनाया या क्या उनकी परिस्थितियां थी जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने अलग, उनका अगर आपको सही व्यक्तित्व देखना है तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उस वक्त उनकी सही पर्सनालिटी देखनी चाहिए कि जब उन्होंने ड्राफ्ट किया तो उनकी मानसिकता वहां दिखती है, वो किसी रिलीजन, किसी समुदाय से प्रेरित होकर नहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो समाज के वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और वही उनकी मंशा थी और वही उनकी मानसिकता थी। और धर्म जो है वो अपना, उनका किस धर्म को पालन करें वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन उनके जो
सामाजिक राय थी, समाज के प्रति थी, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया है, और आपको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि वो उनकी मानसिकता क्या थी और उनकी मंशा क्या थी, उनकी उनकी वो जो इतनी लड़ाई थी किस पर्पज से थी, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से ड्राफ्ट किया वही रिफ्लेक्ट करता है, उसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, अकु जी क्या कहेंगे, देख रहे हैं आप लगातार सुन ही रहे हैं क्या यहाँ पर बातें हो रही हैं, जहां जहां मुझे पसंद होगा, जिस जिस दिन के उनके बयान मुझे पसंद होंगे वो विचार तो हम अपना लेंगे, लेकिन ओवरऑल अंबेडकर क्या थे, पूर्णता किस तरह, उनके सारे विचार अंबेडकर को पूर्ण बनाते हैं, पूरे अंबेडकर को अपनाने का शायद पॉलिटिकल रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। देखिए ये तो बहुत साफ है और ले भी नहीं सकता, ना कांग्रेस ले सकती है, ना भाजपा ले सकती है, या बाकी कोई भी, मायावती भी नहीं ले सकती, ये भी आप छोड़ दीजिए, ये मायावती वही हैं जो आज मतलब न जाने किन किन डिफरेंट फ्रेजेस के साथ में पब्लिक के सामने आती हैं कि ब्राह्मणों का वोट हमारे साथ हो जाए तो हम इसके लिए सरकार बना लेंगे क्योंकि इस स्थिति में नहीं होंगे, और अगर दलितों का और राजपूतों का हो जाए तो ये हालत हो जाएगी, प्लस मुस्लिम हो जाए तो ये हालत, तो ये आज की स्थिति में मुझे लगता है ये सवाल ही बहुत वो होगा, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को कहना होगा कि नहीं इससे हम नहीं सहमत हो सकते, आपका सवाल है, सवाल हो सकता है, लेकिन उस पर ये कहा जा सकता है कि नहीं हो सकते, इससे दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी के जो पूरा एक बड़ा सा विस्तृत उनका व्यक्तित्व था, उसके सामने जो मौलिक सवाल थे उनको क्या उठाया, धर्म को लेकर के जो उनकी बातें थी वो मूलतः बड़े रूप में सही थी, जो उनकी विकृतियों को, धार्मिक विकृतियों को लेकर के वो उनके विचार जो थे वो बहुत ही साफ थे, और उस पर संघर्ष एक पीढ़ी दो पीढ़ी होती है, और मुझे लगता है अभी ये पीढ़ियों तक चलेगा, क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक दल जो हमारे ऊपर शासक हैं वो ये कतई नहीं चाहते कि ये सब चीजें हल हो जाएं, ठीक हो जाएं, वो इनको जो वाजिब हक है वो मिले, जिससे हम सही दिशा में काम कर सकें। हम सिर्फ धार्मिक लड़ाई को ही नहीं लड़ने चाह रहे हैं, हम सामाजिक लड़ाई को जब हम लड़ना समझ जाएंगे, उस पे हम बराबरी के उस पर हो जाएंगे, तब ये सवाल अपने आप गौण हो जाएंगे, जो खुद अंबेडकर चाहते थे कि ये इनसे ज्यादा सामाजिक सवाल हो। वो हमेशा उन्होंने धर्म जो बदला वो इसलिए बदला ताकि आपका ध्यान उस पर जा सके, असली चीज वो है, यहां अभी असली चीज है वोट बैंक है, बिल्कुल, और हर आदमी जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो मुझे तो कोई भी, इवन उनकी विचारधारा के जो साथी लोग हैं वो भी ऐसे नहीं दिखते जो बिल्कुल एक सही दिशा में जाने की ओर लग रहे हों, इसलिए हमें मतलब एक पूरे संपूर्ण रूप से ये कोशिश करनी होगी कि ये जो खांचेबाजी है ये बंद करके उनके लिए कुछ हित के काम किए जाएं, उनको नौकरियां हो, उनको सामाजिक सम्मान हो, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं आज की जो स्थिति है और नई पीढ़ी है, अगले 10 साल में इस समाज में ये इनके जो सामाजिक इनको भेदभाव दिया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को खुद प्रेम प्रसंग में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उनकी वो बाधाएं सब दूर होने जा रही है जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, आपने बीएसपी की बात की, ये वो पार्टी है जो पहले से, शायद बीजेपी के पहले से कहीं ना कहीं अंबेडकर पर क्लेम करती रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने अंबेडकर जयंती पर एक रैली की, इस रैली में उन्होंने रोहित वेमुला की अंबेडकर से तुलना को गलत बताया और आरोप लगाया कि अंबेडकर जयंती के नाम पर कांग्रेस और भाजपा नाटक कर रही है। अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर लाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर लाल जी आपने सुश्री मायावती जी की बात भी सुनी, इतनी देर से आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात भी सुनी, ये जो कह रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो नाटक कर रही है, लेकिन बीएसपी क्या कर रही है, क्या लगता है? देखिए बहन मायावती जी का जो बयान है, जो उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि बीएसपी की इसमें संलिप्तता क्या है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के अथवा दलितों के सहारे
राजनीति करने वाले लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों से विचलित होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति विनाश की बात कही और जातियों को हतोत्साहित करना उनका परम लक्ष्य था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सामने रख करके जातीय प्रबंधन की राजनीति करना, ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की हत्या करना है। जो 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 दलित चेतना का जो बिंदु है और दलितों में जो विमर्श है, वह इस बात को इंगित कर रहा है कि बहन मायावती जी की ये जो जातीय प्रबंधन और जातीय भाईचारा कमेटियां जो बनाई गईं, उससे समाज में जातियां मजबूत हुई, जातियां मजबूत हुई, और न केवल जो सामान्य जातियां हैं वे तो पहले से मजबूत थी, दलितों में जो छोटी छोटी जो दलितों की उपजातियां हैं वे अपनी जातीय पहचान के साथ खड़ी हुई और उनमें दम भाया कि हम इस जाति के हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने जो हिंदू धर्म की विकृतियां हैं उनको मजबूत किया, जातियों को मजबूत किया, और यह कृत्य इनको उसी धारा में ले जाता है जहां पर अन्य लोग खड़े हैं और उसमें डॉक्टर अंबेडकर कहीं प्रासंगिक नहीं नजर आते, और ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के पूरी तरह प्रतिकूल है। इसलिए मायावती जी का ये आरोप है, जो आरोप है वो पूरी तरह इनके ऊपर भी अप्लाई करता है। और यानी सारी पार्टियां लगभग एक ही काम कर रही है, अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। सवाल मेरा नासिर साहब आपसे अब एक और ये है, धारा 370 कश्मीर में जब शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के कहने पर धारा 370 पर अंबेडकर जी से बात करने गए, उन्होंने मना कर दिया कि ये देश के साथ विश्वासघात होगा, मैं धारा 370 का समर्थन नहीं करता। आपका क्या कहना है, कांग्रेस क्या इस विचार को अपनाएगी आज? नहीं, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक व्यक्ति के सारे विचार को अपनाए जाए या सारे के सारे विचार को, मतलब जहां तक वो दलित दिखते हैं वहां तक आप उनको अपनाएंगे, बाकी कुछ नहीं। बहुत नहीं नहीं, आपको दलित आइकॉन चाहिए, बहुत सारी चीज थे। यानी सुनिए, अब बहुत ही क्लियर हो रही है बात, आपके इस एक स्टेटमेंट ने बहुत कुछ बताया है। आपको संविधान का वो निर्माता नहीं चाहिए, आपको वो व्यक्ति नहीं चाहिए जिसका समाज के प्रति एक इतनी व्यापक सोच थी, आपको वो आदमी चाहिए जिन्होंने जो दलित आइकॉन के तौर पर आपके काम आ सके। देखिए, हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ दलित आइकॉन कभी माने नहीं, हम लोगों ने फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा माना है। अब जहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दूसरे मेंबर्स के द्वारा अगर कोई मतभेद हो सकती है, किसी भी इशू पे हो सकती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, अगर उस टाइम पे कश्मीर को इशू को लेके अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ वादा किया था उस टाइम पे उस स्टेट के लोगों को, एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने वादा किया था, तो उसको उनको निभाना था, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप उठा के जब ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनका विजन क्या था, कास्टलेस सोसाइटी का उनका विजन था, उनका विजन क्या था, क्यों आप इसके पहले एक सवाल मुझे पूछा था कि आप हिंदू धर्म को मतलब खत्म कर देना चाहिए या वो नष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरकार इस देश के अंदर इतने सारे जो हम क्रिश्चियनिटी में, चलिए एक बात और बताइए, आपकी मूल बात में समझ गया, आपकी मूल बात में समझ गया, लेकिन आप ही के तरीके से आपसे एक सवाल ये है, आप ही के तरीके से आप ही के तर्कों पर नासिर साहब सवाल आपसे ये है, आपने कहा कोई आदमी उसको आप पसंद कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे विचार मान लिए जाए ये सही नहीं है, यही कहा आपने। नेहरू जी भी आपके हीरो हैं, देश के हीरो वो भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब नेहरू जी की बात आती है तो वो कौन से विचार है जहां पर आपकी पार्टी उनसे सहमत नहीं होती, बिल्कुल टू द पॉइंट बताइए, या ये रूल आपने जो रूल बताया ये नेहरू जी के लिए अलग हो जाता है? देखिए बहुत नहीं भाई, बात नेहरू जी के अलग लिए या गांधी जी के अलग नहीं, देखिए भाई ये सारे लोग इस सवाल को और व्यापक कर देते हैं, नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं, अब असली जी नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं जी, बताइए उन परिवारों में कई लोग रहे, क्या उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि उनके हम इन विचारों को नहीं मानते? आप ही के तर्कों पर आपका सवाल, जब डिस्कशन होता है तो अब जरूरी नहीं,
मैं कह रहा हूं ना, इन हाउस जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारी चीजों की, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी बहुत सारी चीजों को कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होती थी। अभी जब भी आप बताइए ना, कौन से वो विचार है जो आपको सही नहीं लगते राहुल गांधी आज के परिप्रेक्ष्य में, वो कौन सी विचार, कौन से वो विचार है जो आपको लगता गलत थे? मैं नहीं, अब उस हिसाब से देखें तो इमरजेंसी को लेके बहुत सारे मतभेद कांग्रेस के अंदर ही थे। आप कह रहे हैं इमरजेंसी गलत थी। आज भी जब किसी भी इशू पे बात होती है तो मतभेद होता है, बहुत सारे चीज इशू पे मतभेद। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एक आदमी बोलता है इन टोटो, आपकी पार्टी क्या इस बात को मानेगी कि इमरजेंसी का फैसला गलत फैसला था? टोटो माना नहीं गया था। नहीं नहीं, अब मैं गलत फैसला नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतभेद बहुत सारा था। मैं गलत फैसला नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतभेद बहुत था। अब आप जब गांधी जी की बात को लेकर भी बहुत सारा मतभेद उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर होता था। डिबेट डिस्कशन होने के बाद जब सारे लोग एक कंसेंसस डिसीजन जो होता था उसको लेके बाहर लोग निकलते थे। चलिए ठीक है, एक बार अकु साहब आपके पास आऊंगा, अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं इस डिस्कशन के। आज भी हमारी CWC, चलिए अकु साहब सवाल मेरा आपसे है, सभी पार्टियों की बात हमने सुनी है, सभी पार्टियों की बात हमने सुनी है, क्या ये पार्टियां आपको कहीं पर ये कन्विंस कर पाई है, या आपको लगता है एक आम आदमी को कन्विंस कर पाएगी कि वो वाकई में आज अंबेडकर उनके हीरो हो गए हैं और वो कोई कास्ट पॉलिटिक्स, कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं? कन्विंसिंग लगता है किसी भी? ये मुझे लगता है हम लोगों की गलत फहमी है और वो कहीं पर भी नहीं लगता है। यहाँ तक कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो भी बहुत ही जेनेरिक भाषण था। उसमें उस सेंटेंस में अगर आप अंबेडकर हटा करके कोई भी बड़े आदमी का नाम लिखा कर दें वो वैसा ही नजर आएगा। तो इससे ही लगता है आज भी, चाहे वो इंदिरा गांधी के ज़माने में रहा हो, चाहे भाजपा के ज़माने में रहा हो, चाहे कहीं रहा हो, मायावती तो विशुद्ध रूप से उसका इस्तेमाल करती हैं, कोई भी बहुत सिंसियर नहीं है। लेकिन इनके कुछ प्रयासों से, इसको ये भी मानना चाहिए, इनके कुछ प्रयासों से भला हुआ है, बहुत ज़्यादा भला नहीं हुआ है। और ये बहुत दुख की बात है कि वो हमें जितनी जल्दी वो मंजिल पा लेनी चाहिए, जो 10 साल में पा लेनी चाहिए, 70 में भी नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि अभी बहुत साल बाकी, सामाजिक लेवल पे जरूर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँ, जल्दी बदल जाएँ, अगले 10 साल में बदल जाएँ, लेकिन जो उनको एक आर्थिक लेवल पर या सामाजिक और बड़े बराबरी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर और बाकी जगह पर जो उनको मिलना चाहिए, उसे मिलने में भी बहुत वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत में ईमानदारी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, जफर साहब आपका, अकू जी आपका और डॉक्टर लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी देश की जनता से, खासतौर पर दलितों से कही थी, राजा सिर्फ रानी के पेट से जन्म लेकर ही नहीं बना जा सकता, अपने वोट से आप अपना राजा बन सकते हो। अफसोस ये बात उन्होंने दलितों के लिए कही थी, देश की जनता को कही थी, वोट का मतलब समझाने के लिए कितना पावरफुल है। लेकिन ये बात शायद ज्यादा समझ में आई राजनीतिक पार्टियों को कि वोट से राजा बन सकते हैं, तो वोट कैसे भी हो जुगाड़ लिए जाए। नमस्कार।